काफी साल के लंबे इंतजार के बाद अपना देश 5G वाला बनने वाला है। थोड़े दिनों पहले 5G स्पेक्ट्रम सोल्ड आउट हुए थे ऑक्शंस में, जिसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये तीन बड़े नाम थे जिन्होंने 5G पे बेट किया था इंडिया में, और अब फाइनली आप 5G यूज कर सकते हो अपने फोन पे। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, 1.5 लाख करोड़ की बिडिंग हुई थी। जियो ने इन्वेस्ट किया था 88,078 करोड़, एयरटेल ने इन्वेस्ट किया था 43,084 करोड़, जियो से लिटरली आधा, और वोडाफोन ने 18,799 करोड़ खर्च किया था, और अपने अडानी भैया प्राइवेट फॉर्म लेके घुस गए थे, 200 करोड़ उन्होंने भी खर्चा कर दिया था। तो ये जो तीन बिग प्लेयर थे, इनके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। वैसे आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो अपने पुरानी वाली 5G वीडियो आप देख सकते हैं, उस पे अच्छा रिस्पांस आया था, इस पे भी अच्छा रिस्पांस दे देना। अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको अपने मोबाइल का सिम चेंज करना पड़ेगा 5G यूज करने के लिए? आंसर है नहीं। अगर आपके पास एक एंड्रॉइड 5G फोन है तो आपको सेटिंग्स में दिखता है प्रीफर्ड नेटवर्क को आप 5G में चेंज कर सकते हो, लेकिन iOS के अंदर वो सिस्टम नहीं होता है। तो मुझे लगता है इस पे आपको एक अपडेट आएगा और अपडेट के थ्रू पुश होने वाला, और 5G इस पे आप क्विकली चला सकते हो। बहुत सारे ट्विटर पे इमेजेस आई हैं, कोलकाता में लोग 5G नेटवर्क के साथ चलाना स्टार्ट कर चुके हैं, अनाउंस हुआ और 1 घंटे में इंटरनेट फटाफट। हमने भी ट्राई किया लेकिन नहीं चल रहा भाई। अभी तो हमारे पास यहाँ पे 3 5G फोन है, Xiaomi का, Realme का और Nothing। सबसे पहले Xiaomi के बारे में बात करते हैं। सेटिंग्स में आप आके प्रीफर्ड नेटवर्क में जाओ और यहाँ पे आप 5G देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी तक 4G प्लस ही लिख रहा है। और एक बार नेटवर्क स्पीड चेक कर लेते हैं, 50 MB आ रहा है, कुछ नहीं भाई। अब Realme के बारे में, वैसे मेरे पास एयरटेल का ही सिम है, ये Realme का GT Neo 3 है, नया फोन है, इसके ऊपर वीडियो जल्दी आ रही है। प्रीफर्ड नेटवर्क में 5G चेक कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पर वही 4G प्लस आ रहा है, इसके बेस पर आपको 25-30 के बीच में आ रही है। अब Nothing की बारी, Nothing में भी 4G ही लिख रहा है, ऑल तो मेरे पास एयरटेल का सिम है, प्रीफर्ड नेटवर्क में 5G है, 3-4 सेटिंग से सबको ऑन कर रखा हम लोगों ने, 4G प्लस ही डेटा आ रहा है। ओके ओ भाई, इसकी स्पीड 50 तक पहुंच गई थी, तो ये भी भाई 4G प्लस ही है। नोएडा दिल्ली के अराउंड 5G तो अभी नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन के बारे में। वोडाफोन ने बोला है वी आर कमिंग सून फॉर 5G, अभी उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया, और इनका 5G नेटवर्क काफी लेट आने वाला है। ऑल ओवर इंडिया आने में इनको ऑलमोस्ट 2024 का लास्ट लग सकता है। तो वोडाफोन ऐड यूजर जो है उनको 5G लेट मिलने वाला है, और इनके बारे में कुछ बात करने के लिए है भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल ने अनाउंस किया अपना, और काफी सारे सिटीज में आपको इनका 5G नेटवर्क मोबाइल में शो भी कर रहा है। अभी के लिए 8 इंडियन सिटीज को अनाउंस किया गया, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता। ये है लिस्ट। अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हो सबसे पहले लाइक करो और आप 5G बहुत जल्दी चला पाओगे, और कंप्लीट इंडिया में 5G सर्विसेज एयरटेल की मिलेगी आपको 2024 मार्च से। अभी टाइम लगेगा, और अगेन एयरटेल ने बोल दिया लाइन लगने की जरूरत नहीं है। इंडिया का जो 5G मॉडल है ये आपको NSA पे बेस्ड है, NSA मतलब जो आपका टावर आजू बाजू लगा हुआ है 4G वाला, उसमें बस 5G का डिब्बा लगाएंगे और 5G फैलाएंगे, कोई नया टावर लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाले कॉन्सेप्ट से आपको एक्चुअल 5G नहीं मिलेगा, लेकिन 300-400 MBPS की स्पीड डेफिनेटली मिल जाएगी। लेकिन अगर इनके स्टैंड लोन टावर लगता है, मतलब कि लिटरली 5G के लिए टावर लगाओगे, तो वहां पे शायद से आपको सिम भी चेंज करना पड़ जाएगा 5G के लिए। अभी के लिए मौज ही मौज है। अभी आपने देखा 30 MBPS आ रहा था, अभी आपको 300 MBPS आएगा। जियो के बारे में बात करते हैं, और मेरे हिसाब से इंडिया का 5G किंग जियो है। इन्होंने अनाउंस कर दिया अक्टूबर मंथ, जो कि अभी चल रहा है भाई, 1 अक्टूबर को हम वीडियो बना रहे हैं, 4 मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी 5G मिलने लगेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इन चारों सिटीज में आपको ट्रू वाईफाई मिलेगा, मतलब स्पीड भयंकर मिलेगी। लेकिन लिस्ट में टोटल 13 सिटीज है जिसमें आपको 5G मिलने वाला है, जिसके अंदर अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुड़गांव, हैदराबाद, जामनगर, लखनऊ और पुणे है। तो यहाँ पे अगर आप हो तो आप जियो का सिम लो, और आपके पास 5G नेटवर्क चलने वाला है बहुत जल्दी। ये थी एक्चुअल में 5G की बात, लेकिन अभी बात करते हैं थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के बारे में। जितने भी इंडियन सिटीज का नाम इस लिस्ट में आया है, इसमें आपको और भी सिटीज ऐड हो सकते हैं, जैसे कि वाराणसी के ऊपर बात हो रही है कि एयरटेल वाराणसी को भी 5G लिस्ट में ऐड कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली दोनों ही की लिस्ट में है, जियो में भी है और एयरटेल में भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के हर एक पार्ट में आपको 5G आएगा, इनके भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट होने वाले हैं। पंजाबी बाग में आ रहा है, करोल बाग में नहीं आएगा, लक्ष्मी नगर में आ रहा है, उत्तर नगर में नहीं आ रहा, तो भाई थोड़ा सा वहां पर भी सीन होने वाला है। तो 5G एक्चुअल में एकदम हाथ में है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है। लेकिन अच्छी बात है कि 5G आ गया, स्टार्ट हो गया, बहुत लोगों के फोन में दिखने लगेगा। और जियो ने बोल दिया कि इनका 5G का जो डेटा प्लान है ये 22 से 26 अक्टूबर के बीच में रिवील करेंगे, जो कि अपने दिवाली का पावन अवसर रहेगा। तो दिवाली पे 5G मस्त चलने वाला है, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन कहां कहां चलेगा वो तो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा, जब अनाउंस होगा, जब दिखने लगेगा कि भाई कहां कहां लोग यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। और अगर बात करते हैं बेनिफिट की 5G से, देखो मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट
सेट है। सबसे पहली बात, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ेगी, रूरल और अर्बन एरिया में कनेक्ट आ जाएगा। जो लोग गांव में बैठे हुए वो अपने शहर का भी पूरा पूरा मजा ले सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा फायदा होगा, वही सेम जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उनको स्मार्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उससे इनडायरेक्टली हेल्थ केयर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जितने भी लोग स्मॉल बिजनेस चलाते हैं उनको फायदा होने वाला है 5G से, उनके पास वो सर्विस वो स्पीड मिलेगी जो कि एक्चुअल में जो टॉप पे बैठे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन उनके पास होती है। तो स्मॉल बिजनेस को भी बहुत ही अच्छा फायदा होगा और ओवरऑल इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पे फायदा होगा। अभी इंडिया की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन की, 2047 तक 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है, मुकेश अंबानी ने बोला है। और डेफिनेटली उन्होंने बोला है तो हम तो पूरा पूरा मानते हैं। और अभी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम होता है एक इंसान कितना कमाता है, एवरेज होता है। भाई अपने इकोनॉमिक्स वाला है तो थोड़ा सा अज्ञान निकल रहा है, तो वो आपको $20,000 पर कैपिटा इनकम बन जाएगी फ्रॉम $2,000। अभी $2,000 कमा रहे पर बंदे, मतलब कि ऑलमोस्ट 140,000 रुपए, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 25 साल और। लेकिन ये सब चीज होने में 25 साल और लगेगा उस हिसाब से काम हुआ जिसको प्लान में किया गया है। तो दोस्तों 2047 तक हम वीडियो जरूर बनाएंगे, आप सब्सक्राइब करके रखो। अभी 2047 में आपको इसका पार्ट 2 बनाएंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। और भाई वीडियो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, और डेफिनेटली 5G के लिए कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।